ग्राम पंचायत देवडीढ़ी में बीएलओ पर लगे आरोप तो वहीं बीएलओ ने विपक्ष पर लगाए डराने व धमकाने का आरोप। जिला सीतापुर के विकास खंड बेहटा के ग्राम पंचायत देवडीढ़ी में पूर्व प्रधान तथा उनके साथ अन्य ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में कार्यरत बीएलओ सन्नो जहां के ऊपर आरोप लगाते हुए लहरपुर उप जिला अधिकारी राम दरस राम को ज्ञापन सौंपा है कि बीएलओ सन्नो जहां के द्वारा आने वाले पंचायत चुनाव में विपक्ष के ग्राम प्रधान को विजयी बनाने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर कुछ मतदाताओं के नाम और लिस्ट से फर्जी तरीके से अलग कर दिए हैं, तो कुछ विपक्षी प्रधान के प्रतिनिधियों के नाबालिग होने के बावजूद भी उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिए हैं तथा तो वहीं बीएलओ सन्नो जहां का पूर्व प्रधान व उनके साथियों पर यह आरोप लगाते हुए लहरपुर जिला अधिकारी राम दरस राम को यह ज्ञापन सौंपा गया है कि पूर्व प्रधान व उनके साथियों के द्वारा बीएलओ सन्नो जहां को जान से मार देने की धमकी व फर्जी तरीके से अन्य ग्रामवासियों को वोटर लिस्ट से नाम दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सीतापुर से एनके विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। आप लोग कहाँ से आए हैं? देवड़े में। अच्छा, विकास खंड क्या है आपका? बेटा। अच्छा, जिला सीतापुर। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, बताएं। समस्या ये है कि जो बेलो हमारे यहाँ सन्नो जहाँ हैं जी, तो वे एक पक्ष का काम कर रही हैं, और हमारी पार्टी में अगर कोई वोट बढ़ाने को कहता है तो उससे कहती हैं कि तुम प्रधान के आदमी हो, तुम्हारी वोट हम नहीं बढ़ाएंगे, अब से प्रधान को हराना है, हम सारी वोटें प्रधान की काट देंगे। गांव बेलो है। हाँ, आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? इससे पहले 3-4 शिकायतें दे चुके हैं, उसके बाद मजबूरन हमको पब्लिक को साथ में लाना पड़ा। आज आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? बेलो को हटाने के लिए, कि बेलो को हटाया जाए वरना गांव में हमारे संबंधित कांड हो सकता है। संबंधित शिकायत किससे की है? उप जिलाधिकारी से हम लोगों ने शिकायत की। क्या आश्वासन मिला आप लोगों? आश्वासन ये मिला है कि बेलो को हटा दिया जाएगा और आपका काम पूरा होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बेलो अगर हट जाएगा तो कोई गांव में खुराफात नहीं होगी, भविष्य में कत्ल हो गई वो पार्टी बंदी है जी। अपनी समस्या बताएं। अपनी समस्या बताएं बाबूजी, 22 साल आए आधार कार्ड पर सन्नो जहां काट दी नहीं, और कहते रहे तुम खिलाफ खिरी हो प्रधान है, कोई तुमरी वहाँ टेनाई बनी है, वोट काट दी नहीं, कहीं तुमरी नाई बनी पी है। आपकी जन्मतिथि क्या है? हमारी है 1999। आपका नाम क्या है? अरशद अली। कहाँ से आए? देवड़ेडी से। पूरा पता बताएं। आपका क्या नाम है? लहरपुर। अरे आपका क्या नाम? अरशद अली। पिताजी का? शमशाद अली। तो हम बीएलओ थे यहाँ के, लेकिन इन लोगों ने यहाँ कुछ भी किया हो हमारा नाम कटवा दिया था बीएलओ से। फिर इन्होंने रजिया बेगम को किया, रजिया बेगम ने गलत काम किया, गांव वालों ने उनके खिलाफ प्रूफ भी इकट्ठा किए जो यहाँ पेश किया, फिर हमको वही ड्यूटी मिल गई। अब ये हमसे यही कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो काम करो, हमको पैसे देकर धमकाया गया कि पैसे ले लो तब हमारा ये काम करो, जो हमने लिस्ट पहले बनाई थी वही जमा कर दो। कौन कहता है? ये अब्दुल माबूद, अब्दुल कबीर, यही फैसल, ये सब मतलब पूरा घर है। उसमें आपको क्या लगा, आपका उसमें कहीं वोट बाहर के थे? जी उसमें थे बाहर के, जो इनके यहाँ कोई नौकर था उसकी भी वोट थी जो हमने काट दी। कहाँ रहता है? वो वही खाना मडोरा में रहता है। खाना मडोर में रहता है, नौकर है, रहने वाला का क्या मैटर है? वही का है वो रहने वाला, लेकिन उसकी यहाँ वोट थी देवड़ीडीह में जी, और हमने उसकी वोट काटी है जिसका यहाँ, जिसकी मतलब शादी यहाँ लहरपुर से हुई, उसकी उसका आवास बना है। जिसमें आपको आईडी प्रूफ नहीं मिला होगा उसकी वोट कटी होगी जी? नहीं। चलिए, जिसका हमको प्रूफ मिला है कि इसकी दूसरी जगह वोट है उसकी हमने वोट काटी है। अच्छा, इस ज्ञापन के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या आपके सामने आए हो वो बताइए। हमको गांव में जाना है भाई, हमको ड्यूटी करनी है, तो हमको सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, हमारी जान माल की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक। नमस्कार, मैं हूं इनके विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं प्राइमेटी न्यूज। हम इस समय जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे बहुत से ग्रामवासी मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ उप जिला अधिकारी महोदय श्री राम दरस राम जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, और आइए जानकारी लेते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, आखिर इनकी समस्याएं क्या है।